परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातों पर बात करेंगे। जैसा कि इसके पहले के लेक्चर में आपने हमसे मैंने आप लोग से ही डिस्कस किया है कि हीट क्या है, वर्क क्या है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और जब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजिंग की बात आती है, इंक्रीजिंग मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या डिक्रीजिंग की बात आती है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि उस सिस्टम को कितना हीट मिला, कितना हीट मिला। तो उस हीट से क्या करेगा वो सिस्टम, कुछ वर्क करेगा, कुछ वर्क करेगा, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च कर देता है। जैसा कि आपको अगर 100 रुपये मिले, सपोज दैट एग्जांपल पिछले लेक्चर वाला रिपीट करता हूं मैं, 100 रुपये मिले और मैंने आपको 100 रुपये दिया, और आपने क्या किया, उसका 90 रुपये जो है आपने मेरे बताए हुए काम को मतलब अच्छे से किया, उसका तो यूज़ किया 90 रुपये का, और 10 रुपये क्या किया आपने अपने जेब में रख लिए। तो इससे हुआ क्या कि आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो ठीक वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा यू से, किससे, डेल्टा यू से हमने बताया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, और उस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे हो सकते हैं, है ना। इस पर न्यूमेरिकल्स आप लोग को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बिना इसके एप्लीकेशन डीप से समझे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, इसका लॉ बहुत ही इजी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए फर्स्ट लॉ कोई लॉ वगैरह नहीं है, फर्स्ट लॉ कोई लॉ वगैरह नहीं है। लॉ मतलब क्या, वही पुराना वाला लॉ, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कैसे, वही हम यहां प्रूफ कर देंगे तो आप समझ जाएंगे, हाँ सर तो ये यही चीज है ना। तो ये एक्चुअल में हम बात करें, ये क्या है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बच्चों। कैसे, जैसे मान लो एक सिस्टम है आपके पास, ये क्या है, सिस्टम, ठीक है ना, ये सिस्टम है, यहां से हमने इसको इंसुलेट किया हुआ है, और यहां एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन, पिस्टन ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, है ना, मूव कर सकता है, मूवेबल है बिल्कुल। और यहां आपका कंडक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस, और इस सरफेस में आपने दिया हीट क्यू, क्या दिया, हीट क्यू, ये हीट ले करेगा क्या, आपने पढ़ा है कि ये हीट लेगा तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, टेम्परेचर। हीट क्या है बच्चों, हीट क्या है, हीट इज अ वे है एनर्जी ट्रांसफर करने का। तो हमने इस यहां से कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया है इसको, कितना एनर्जी दिया, क्यू अमाउंट का, और इस क्यू अमाउंट का ही एनर्जी लेकर के ही हमारा सिस्टम, मतलब जो गैस है, गैस क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी पहले लेगा, कुछ लेकर क्या करेगा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सबका स्पीड तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ये बहुत तेजी से मोशन करेंगे। इसके से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा और प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर मतलब बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा गैस क्या करेगी, एक्सपेंड कर जाएगी। मान लेते ही एक्सपेंड कर, पिस्टन कहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, ये पिस्टन हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। तो हुआ क्या, इसमें इस सिस्टम में कुछ वर्क किया, ये पढ़ चुके हो। तो मान लेते कितना वर्क किया, डब्ल्यू, तो क्या जितना हीट लिया ये पूरे का पूरा वर्क कर डाला सिस्टम ने, क्या जो हीट दिया हमने क्यू, भाई लो एनर्जी लेना है हीट दे दिया, एनर्जी देना है तो हीट दे दो, एक प्रोसेस ये है, या तो उस पर मैकेनिकल वर्क कर डालो तब एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो हम यहाँ हीट प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं एनर्जी देने के लिए, तो हमने क्यू अमाउंट में एनर्जी दिया, उस एनर्जी का ये सिस्टम ने क्या किया, कुछ वर्क किया, कितना वर्क, डब्ल्यू। जैसा कि मैंने आपको 100 रुपये दिया और आपने 90 रुपये काम किया मेरा, ठीक है, और 10 रुपये अपने जेब में डाल लिए, तो आपने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली है। हाँ सर 10 रुपये डाल लिए, 10 रुपये में क्या होगा, अरे 10 रुपये में 2 समोसे खा लोगे, जब वो भी नहीं मिलता, एक चाय तो पी लोगे, है ना। तो आपने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, तो इसने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में कुछ खर्च कर दिया और कुछ का वर्क कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन से कि जितना एनर्जी मिला, कितना क्यू, वो वर्क किया डब्ल्यू, कितना डब्ल्यू, और अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया, तो इसका इंटरनल जी कुछ रहा होगा, बढ़ गया कितना, डेल्टा यू। तो हम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से दिखाते हैं बच्चों। तो यहां तो एनर्जी कंजर्व है ना, जितना एनर्जी दिया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है फर्स्ट लॉ। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें डेल्टा यू, तो सर कहोगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है फर्स्ट लॉ, क्लियर, यही है फर्स्ट लॉ बच्चों, याद रखो जितना हीट दोगे वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक वर्क में और एक इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज, दो कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर पूरे प्रोसेस के दौरान इसका प्रेशर हम मान चलते हैं कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से, तो ये आप पढ़ चुके हो, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कहूँ तो यही है आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, आप यही याद रखेंगे। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं, मतलब दूसरे रूप में, दूसरे तरीके से, दूसरे वे से बता सकते हैं। मान लेते हैं सिस्टम का कभी स्टेट ए था, ए स्टेट में इसकी जो एनर्जी थी इंटरनल वो था यू ए, और बी स्टेट, स्टेट ए में क्या था, इंटरनल एनर्जी यू ए, और स्टेट बी में इसकी इंटरनल हो जाती है यू बी, इंटरनल एनर्जी हो जाती है यू बी। तो स्टेट ए में इंटरनल एनर्जी यू ए, स्टेट बी में इंटरनल एनर्जी यू बी, ये स्टेट का मतलब है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होते रहना है ना। तो कभी प्रेशर कुछ और रहा होगा, वॉल्यूम कुछ और रहा होगा, तब उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी रही होगी, फिर कभी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ और रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी इतनी होगी। तो अगर इन दोनों स्टेट में हम बात करें कितना चेंज हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल, अगर इसको मानते हैं इसको इनिशियल, तो यू बी माइनस यू ए, ये है आपका क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू बी माइनस यू ए, जब हमारा स्टेट अलग अलग हो और दोनों स्टेट का इंटरनल एनर्जी दिया हो अलग अलग, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो यू बी माइनस यू ए कर लेंगे, हमारा चेंज कितना हुआ वो आ जाएगा। भाई इनिशियल कुछ हाई एनर्जी, मान लो आपके पास है 50 रुपये, है ना, आपने 10 रुपये और बढ़ा लिया तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितना चेंज हुआ, 10 रुपये।
अब 50 से कितना हो गया आपका 60, तो 50 आपका इनिशियल स्टेट था और 60 फाइनल स्टेट, तो 60 माइनस 50 कितना हुआ 10, तो 10 क्या हुआ आपने इंक्रीज किया, चेंज किया आपने, यही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी प्रिंसिपल पर यह काम करता है और यह थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम अप्लाई कर रहे हैं, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं वो इसके पहले का लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जा करके लिंक में मेरे क्लिक कर लेंगे तो वहां पे मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स पार्ट टू करके आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे क्लिक करके जाके आप लोग देख सकते हो। तब इस पर आइए, अगर सेकेंड पार्ट क्लियर है आपका तो इस पर डायरेक्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं यहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ा सा, इतना सा, बहुत थोड़ा सा हमने इसको क्या दिया, हीट दिया। कितना हीट दिया, सपोज कर हमने डी क्यू हीट दिया, कितना हीट दिया डी क्यू। जब इतना सा हीट मिलेगा तो बताओ क्या होगा उस समय, हमने आपको दिया 10 रुपये काम करने, जब मैं 10 रुपये काम करके आओ आप क्या करोगे, कितना अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लोगे, 10 रुपये में 9 रुपये काम करोगे, बहुत थोड़े रुपए का 8 रुपए काम करोगे, कितना रुपए अपने पास रखोगे 2 रुपए। तो आपकी इंटरनल बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो ऐसे जब थोड़ा अमाउंट, बहुत थोड़ा सा, यदि स्मॉल अमाउंट देंगे तो वर्क डन वेरी स्मॉल होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा। जब ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो डी यू कैसे निकालेंगे, डी क्यू को, डी डब्ल्यू को ट्रांसफर करेंगे, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो ये भी आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों, क्लियर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्लियर है। तो यहां तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो बच्चों, और अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन सीख जाएंगे बच्चों, तो न्यूमेरिकल तो चुटकियों में करेंगे इस पर बेस्ड, ठीक है ना। तो हम 2 क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए। ओके, तो बच्चों हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं तो वो जान लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में बच्चों आते हैं साइक्लिक प्रोसेस, क्या आता है साइक्लिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, अभी तो इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे आप लोग साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन, तो हेडिंग लगाएं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, TD, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हेडिंग लगा दीजिए बच्चों। और इसे 3 एप्लीकेशन है बच्चों, पहला एप्लीकेशन है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, दूसरा है इसका आइसोलेटेड सिस्टम, और थर्ड है इसका बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इतने ही एप्लीकेशन है इसके, और इसी पर सवाल बढ़िया बढ़िया लगते हैं जेईई मेंस के भी, नीट के भी, और आपके बोर्ड लेवल का भी, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस इसी तीनों पर ही देता है। तो पहले मैं एक एक करके एप्लीकेशन पढ़ूंगा, ठीक है ना, मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक करके, ठीक है। पहला क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, ध्यान सुनिएगा, साइक्लिक मतलब दिमाग लगाइएगा, अपने जिस स्टेट में है उस स्टेट से उसका स्टेट चेंज होना स्टार्ट करें और होते 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 हुए कई स्टेट से गुजरते हुए वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए तो हम कहेंगे कैसा प्रोसेस हुआ, साइक्लिक प्रोसेस, क्या हुआ साइक्लिक प्रोसेस। दूसरा है आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम में भी क्या होता है, ये भी एक एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ का। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरनल एनर्जी मतलब फर्स्ट इसमें इन्वॉल्व है और कैसे नहीं इन्वॉल्व है। आइसोलेटेड का मतलब जो ना मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कर सके, ना मैटर ले सके ना दे सके, ना एनर्जी ले सके ना दे सके, ऐसा सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चार प्रोसेस आते हैं बच्चों। इसमें कितने प्रोसेस आते हैं? चार। पहला प्रोसेस है, इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल रहे, वेरिएबल मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पी वी टी, ये तीनों में से कोई एक जो है कांस्टेंट रहे उस प्रोसेस के दौरान। तो पहला हमारा आता है आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा आता है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। और फोर्थ नंबर है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस है। तो आइसोबेरिक का मतलब यहां पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? कोई भी प्रोसेस यहां पे हो, जो भी स्टेट में चेंजेस आए उसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। मोटा मोटा दिमाग में बैठा लो भी अभी के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। और एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडिया का मतलब है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब सिस्टम के सराउंडिंग क्या रहे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रहे चारों तरफ, तो क्या होगा इस कंडीशन में, हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा। और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो खेला कुछ और होगा, है ना। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो यहां खेल कुछ और होगा, उसको हम जानेंगे अलग अलग हेडिंग्स में। इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन सभी को, चारों को अलग पढ़ेंगे। अभी हम पहले स्टार्ट करते दो चीजों पर बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है बच्चों, से मान लो कोई एक सिस्टम है और यही ए इनिशियल स्टेट में है। किस स्टेट में है? ए इनिशियल स्टेट में है। और आपने इसको दिया हीट क्यू, तो ये क्या किया, इसका स्टेट चेंज हुआ और ये पहुंच गया बी में। आपने हीट दिया, मान लो एनर्जी प्रोवाइड की, तो इसका स्टेट बदल गया, अब पहुंच गया बी में, और फिर से बी से होते हुए कहां पे वापस आ जाए, ए पे, फिर से कहां जाए वापस, ए पर आ जाए। तो हम क्या समझेंगे कि अपने इनिशियल स्टेट में आ चुका है। आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, वर्क भी हुआ, यहां पे वर्क डन हो सकता है कि बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये दोनों क्या है, अपने आप में एक प्रोसेस है, पाथ है, ठीक है ना, पाथ को ही प्रोसेस कहते हैं। तो ये पाथ वन से चलकर बी तक गया, फिर बी से पाथ टू लेकर के अपने इनिशियल स्टेट में आ गया, तो वर्क तो हुआ, एनर्जी भी आपने दिया था। क्या इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई इफेक्ट पड़ेगा? सोचो ध्यान से, क्या इसके इंटरनल एनर्जी में कोई इफेक्ट पड़ेगा, यस आर नो? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या, यस आर नो, कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ लोग यस कह रहे हैं, चलो देखते हैं किसका सही है ना। तो इंटरनल एनर्जी जानते हैं, वही समोसा वाला है ना, 90-100 रुपए दिया, 90 आपने यूज किया, काम लिया उसका, 10 रुपए जेब में डाल लिया, तो वही इंटरनल एनर्जी की बात हो रही बच्चों, ए से बी तक, बी से ए तक। तो यहां हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू मतलब चेंज इन, जितना आपने हीट एनर्जी दिया कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ होगा और कुछ का वर्क हुआ होगा, है ना। तो डब्ल्यू, तो यहां से डेल्टा यू अगर निकालेंगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू। जरा ये बताइए, आपने हीट दिया, वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ गया, किस में आ गया, इनिशियल स्टेट में आ गया, क्या इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है? कहोगे नो सर,
वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट जीरो, मतलब वर्क हुआ है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अपने इनिशियल स्टेट में आने का मतलब यह है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी पहले थी उतनी अब भी है। अगर उसका स्टेट चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आया है। चेंजेस आया है मतलब ये, अगर प्रेशर बढ़ा, सपोज दैट प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो वर्क डन हुआ, तो उसका स्टेट चेंज हुआ और फिर से इनिशियल प्रेशर पे आ जाए, वही वॉल्यूम वही प्रेशर, तो क्या कहेंगे? तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इस केस में बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज नहीं होता है, साइक्लिक प्रोसेस में नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू जीरो होगा। तो यहां रखेंगे जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो Q इज इक्वल टू हुआ W, मतलब जो भी आपने हीट दिया उस हीट का, उस एनर्जी का पूरा पूरा वर्क हो गया, कंप्लीट वर्क, मतलब बहुत ईमानदारी से वर्क हुआ है। बच्चों मैंने 100 रुपये दिया आपको, तो 100 रुपये आपने क्या किया, पूरे का काम किया, 1 रुपये भी अपने जेब में नहीं डाला, अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाई, तो हम कहेंगे आपने ईमानदारी से काम किया है, पूरा एनर्जी का वर्क हो गया। यही है साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया, इस लॉ से समझ सकते हैं, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है इन साइक्लिक प्रोसेस। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे एक ऐसा सिस्टम, इसको मैं इधर दिखा रहा हूं, ये मान लेते हैं एक सिस्टम है, ठीक है, क्या है सिस्टम, सिस्टम देखिए ध्यान से। तो बच्चों ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी माइक का तार हिल गया था बच्चों, तो यहां ध्यान दो, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, चारों तरफ से आइसोलेट रहता है, क्या रहता है आइसोलेट। यहां भी पिस्टन जो लगा है वो भी आइसोलेट किया गया है ना, वो भी आइसोलेट किया गया है। अब आप जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये होता है कि जो बाहर से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया है, तो अगर आप यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे, क्यू हीट सप्लाई करने पर ना हीट अंदर जा पाएगी ना ये अंदर की हीट बाहर आ पाएगी, मतलब यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या है डब्ल्यू है, और ये दोनों क्या है जीरो है। अब क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मतलब हीट जब अंदर जाएगी ही नहीं तो वर्क होगा ही नहीं, बिना एनर्जी लिए कैसे कोई वर्क कर देगा भाई, बिना एनर्जी लिए कोई वर्क कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो जब तक एनर्जी मिलेगा नहीं तब तक वर्क होगा नहीं, अंदर हीट जाएगी नहीं, अंदर क्योंकि नहीं जाएगी क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल है, तो Q और W क्या होंगे जीरो होंगे, तो हमें दोनों को बराबर कर दिया। तो Q और W अब जीरो होंगे, तो यहां पर अगर हम रखें डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा Q माइनस W, तो कहेंगे जीरो माइनस जीरो सर जीरो आएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि U यहां पे कांस्टेंट है, अनंत काल तक कांस्टेंट रहेगी, मतलब कभी भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो ये भी बात प्रूफ हो जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन से। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप लोग इतनी बातें नोट कर लें, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, और इसमें जो भी कुछ होती है वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ना हीट अंदर जाएगी ना वर्क होगा, ठीक है, ना वर्क डन बाय सिस्टम होगा ना वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, तो जो भी इंटरनल एनर्जी रहेगी उसकी वो क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इतनी बात क्लियर। तो बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, और मैं इसे करूंगा इरेज, और हम पढ़ेंगे किसकी तरफ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरफ, और उसमें पढ़ेंगे आइसोबेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस। कुछ बच्चे पढ़ते सर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक है, आइसोबेरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर है ना, दिमाग में डाल लीजिए प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है बच्चों
जिसमें पूरे पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी वहां पे प्रोसेस हो रहा है प्रेशर कांस्टेंट रहे, मतलब कि स्टेट अगर चेंज हो रहा है सब कुछ चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन प्रेशर चेंज ना होने पाए किसी भी तरीके से, प्रेशर चेंज ना होने पाए तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो हेडिंग लगा दिए बच्चों आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, ठीक है, ऑफ सिस्टम, कौन सा सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के होल प्रोसेस के दौरान क्या हो, होल प्रोसेस दौरान प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या कहेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि आइसोबेरिक प्रोसेस का कोई एग्जांपल बताइए, तो इसकी एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना, किसमें, स्टीम इंजन में, जो पानी गर्म होता है बहुत, स्टीम इंजन अब तो नहीं मिलता है, आप लोग शायद देखे हैं, नहीं देखे हैं, सुना जरूर होगा आप लोगों ने, स्टीम इंजन का जो बॉयलर होता है उसमें पानी का गर्म होना, ठीक है ना, और क्या है, गर्म होना एक एग्जांपल है, दूसरा इसका जो लिक्विड से कन्वर्ट होना, इसमें स्टीम में मतलब वेपर में, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, और क्या हो सकता है, फ्रीजिंग ऑफ आइस, ईटीसी, ये सब क्या है बच्चों, फ्रीजिंग ऑफ आइस, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, मतलब लिक्विड का भाप में कन्वर्ट होना, चेंज होना, बर्फ का जमना, मतलब लिक्विड का सॉलिड स्टेट में आना, इसमें होता क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ड्यूरिंग द होल चेंजेस प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, या जो भी हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जैसे कहीं पे बर्फ जम रहा है तो प्रेशर कौन सा प्रेशर पड़ रहा है आप लोग बताइए, जैसे आप कहीं स्टीम में बात कर रहे हैं, स्टीम में गर्म हो रहा है तो वहां स्टीम का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आप नॉर्मली जगह स्पेस जाइए फ्री स्पेस में, यहां भी प्रेशर क्या है, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों प्रोसेस में, जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है तब भी प्रेशर वही रहेगा, जब फ्रीजिंग ऑफ आइस होता है तब भी प्रेशर वही, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर पड़ रहा है दोनों केसेस में वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उस जब कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस मानेंगे बच्चों, आइसोबेरिक प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस, और आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट है, हम क्या कहेंगे, पी कांस्टेंट है ना, तो इसमें होगा क्या, देखो गर्म हो रहा है तो हीट एनर्जी गेन कर रहा है, लेकिन मैं इस केस की बात करूंगा, बेसिकली इस केस में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें बनते हैं, और इसमें बहुत कम बनता है बच्चों, क्योंकि यहां पर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है और यहां लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड मतलब लिक्विड के से सॉलिड में आ रहा है, तो फ्रीजिंग ऑफ आइस है, दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों पर ही न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे आप लैटेंट हीट पढ़े होंगे, तो यहां स्टेट चेंज हो रहा है, इसका भी स्टेट चेंज हो रहा है, और जब स्टेट चेंज होगा बच्चों तो क्या होगा, एनर्जी लेगा या तो देगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में एनर्जी लेगा कि देगा, एनर्जी हीट गेनिंग होगा, यहां पे हीट इज गेनिंग, हीट ले रहा है, और यहां क्या होगा, हीट इज गिविंग किसके किसको दे रहा है, टू द सराउंडिंग, दोनों ही केस में
सराउंडिंग को जा रहा है, दोनों ही केस में किसको जा रहा है, सराउंडिंग को, सराउंडिंग, ठीक है, दोनों ही केस में क्या जा रहा है, सराउंडिंग जा रहा है। मतलब इस केस में क्या करेगा, हीट लेगा, तो हीट लेगा तब स्टेट चेंज कर रहा है, इसमें हीट दे करके तब स्टेट चेंज हो रहा है। इस केस में क्या होगा भाई, हीट लेगा तभी तो कन्वर्ट होगा, हीट लेगा और इसमें क्या होगा, हीट देगा, निकालेगा हीट, वाटर से हीट निकलेगी, वाटर से हीट निकल जाएगी बाहर तो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। मतलब किसी भी बॉडी को ठंडी करनी है तो उसके अंदर की हीट निकाल लो, किसी भी बॉडी को ठंडा करना है तो उसके अंदर की हीट निकाल लो। किसी बॉडी को अगर हीट देना है, मतलब एनर्जी बढ़ानी है, गर्म करना है, हीट दे दो, हीट दे दो, गर्म हो जाएगा अपने आप, हीट दे दो गर्म हो जाएगा, और हीट निकाल लो ठंडा हो जाएगा। प्रैक्टिकल अप्लाई कर लेना। हाँ, मैं फ्रेंड्स के ऊपर अप्लाई करूँगा, उसको आग की भट्टी बैठा दूंगा। अच्छी गंदी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा मत सोचो। तो किसी को आग की भट्टी बैठाओगे तो क्या होगा, एनर्जी दोगे, सप्लाई करोगे, उसको गर्म करोगे। अरे गर्म करना, एक थप्पड़ मार दो, अपने आप गर्म हो जाएगा, फिर उल्टा क्या करेगा, रिएक्शन देगा, समझ गया ना, आगे नहीं बोलेंगे। तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर लिए इसको, तो नोट कर लिया बच्चों। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे और बताएंगे कि कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है ना। तो जैसे इस केस में चेक करेंगे, किसमें, लिक्विड इनटू वेपर में, मतलब लिक्विड से वेपर में जो चेंज होगा उसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो अब आप समझ चुके हैं, हीट गेन होगा इसमें और इसमें हीट लॉस होगा, मतलब हीट देगा, दे रहा है, कौन दे रहा है, लिक्विड हमारा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से वेपर में, है ना, क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, है ना, और उसके बोलते हैं फ्रीजिंग, है ना। तो ध्यान देना, लिक्विड से वेपर के लिए, किसके लिए, लिक्विड से वेपर के लिए क्या होगा, जो हीट लेगा वो हीट क्या होगी, हीट क्या होगी, हीट वो होगा लैटेंट हीट होगा, नॉर्मल हीट नहीं होगा, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट की बात करेंगे हम यहां पे। तो मान लेते हैं लैटेंट हीट क्या है, यहां पे कैपिटल एल है, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, उस लिक्विड का मास अगर एम है तो अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी, क्यू इक्वल टू एम एल, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड इतनी रिक्वायर्ड होगी बच्चों, एम एल हीट रिक्वायर्ड होगी, और इसी हीट से लिक्विड, लिक्विड क्या करेगी, अपने स्टेट को चेंज करेगी और कुछ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी। तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, थर्मोडी, थर्मोडायनेमिक्स। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर, जो प्रेशर पड़ रहा है उसके अगेंस्ट वर्क होगा, है कि नहीं। तो यहां पे हम Q इक्वल टू क्या लेंगे, M इंटू एल लेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो ये W है बच्चों, ये W कितना होगा, तो W हम निकाल सकते हैं किससे, W निकाल सकते हैं बच्चों हम प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम से, कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम से। तो ये क्या आएगा यहाँ पे बताइए, तो ये हमारा जो आएगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो पहले इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का वी एल मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का हम मानते हैं क्या, वी एल, और फाइनल को हम मानेंगे वेपर का ज़्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, वी स्मॉल वी, तो वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा है, ये इनिशियल कम है, तो चेंज इन कैसे निकालेंगे, पी इंटू वी, वी कैपिटल वी करते हैं वॉल्यूम को, ठीक है, वी स्मॉल वी माइनस वी एल, इससे हम लोग बच्चों निकाल लेंगे वर्क, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एम इंटू एल कितने पार्ट में है, डेल्टा यू प्लस P इंटू वी वी माइनस वी एल, वेपर का वॉल्यूम माइनस लिक्विड का वॉल्यूम, इस यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, कि जो लैटेंट हीट है, मतलब जो हीट रिक्वायर्ड है
लेटेंट हीट इनटू मास, ये दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में और जो है एक्सटर्नल अपना स्टेट चेंज होने में जो वर्क होता है उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये लेटेंट हीट है आपका, क्या है, लेटेंट हीट है कंप्लीटली, और इसको बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं इंटरनल लेटेंट हीट, इंटरनल जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसे इंटरनल लेटेंट हीट कहेंगे, और इसे बोलेंगे क्या हम एक्सटर्नल लेटेंट हीट, एक्सटर्नल लेटेंट हीट, ठीक है बच्चों। तो यही है आपका क्या, किसका, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, कितना हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। भाई जितना हीट दोगे वो ml होगा, चेंज हो रहा है स्टेट, तो ml हमें रिक्वायरमेंट जरूर होगी। और ये q दो पार्ट बटेगा, डेल्टा u प्लस w, w कितना होगा p डेल्टा v, इनिशियल वॉल्यूम कुछ रहा होगा, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वी वी माइनस वी एल करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, वीडियो पॉज करके तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा होगा, क्या देखा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस केस में, यह इस केस में क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है। और ये हमने जो हीट लिया है उसको किस में लिया है, पॉजिटिव में लिया है, किस में लिया है बच्चों, पॉजिटिव में लिया है। पॉजिटिव क्यों लिया हमने, क्योंकि हीट ले रहा है, जब सिस्टम हीट लेगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, और जब हीट देगा तो क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए क्या होगा, हीट लेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रीजिंग ऑफ आइस, तो इसको इरेज करते हैं, तो यहां एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब बात करेंगे किसका, फ्रीजिंग ऑफ आइस, आइस जमता कैसे है, मतलब बनता कैसे है, जब लिक्विड मतलब वाटर, बात करते हैं बेसिकली वाटर की, तो वाटर क्या करेगा, हीट अपने अंदर से निकाल देगा, बाहर कर देगा, हीट निकालता जाएगा, अपने आप उसका टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, फॉल करेगा, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, लिक्विड से आइस की बात कर रहे हैं, मतलब आइस में, तो यहां हीट क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, हीट लॉस का मतलब हीट गिविंग है, यहां पे हीट इज गिवन, इज गिवन टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग, तो जो हीट देगा सराउंडिंग को वो हीट क्या होगी, लैटेंट हीट होगी, क्या होगी, लैटेंट हीट होगी, और इस हीट को हम लोग किसमें लेंगे, टेकन एज नेगेटिव लेंगे, किस, क्या लेंगे, टेकन एज नेगेटिव। तो मान लेते हैं क्यों हीट लेना पड़ा, लिक्विड है कोई वाटर है, हीट लॉस करेगा, निकालेगा, निकालेगा सराउंडिंग को देगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हीट लॉस करेगा, जब हीट सराउंडिंग को देगा तो इसका साइन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, और माइनस एम एल, एम क्या है, मास ऑफ लिक्विड है, और एल क्या है, उसका लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट क्या होता है आपने पढ़ा है, इसको हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू आइस, लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होने के लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहां पर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए तो जितना हीट मिलता है क्यू वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो हमें देखना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, इसी बात को हम ट्रांसफर कर देंगे यहां से, तो क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वेशन नंबर वन बन जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ चुका है, किससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हमने इतना हीट लिया, निकाला, लिया नहीं निकाला, तो निगेटिव में लिया, इसको हम कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे। अच्छा, जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब इंक्रीज होगा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, तो हम कह सकते हैं इसका फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क डन यहां पे होगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या है यहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप सबको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क होगा, जब अगेंस्ट वर्क होगा बच्चों तो क्या होगा यहां पे, फाइनल वॉल्यूम
माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये आ जाएगा वर्क डन। क्यू की वैल्यू यहां रखेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, माइनस एम एल माइनस पी वी एफ माइनस वी आई, ये आपका है टोटल इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ ये आएगा माइनस एम एल और माइनस में रखेंगे पी वी एफ माइनस वी ई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो यही आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, क्या बताएंगे इसे, देखो साइन नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे नेगेटिव साइन, आप भी नोट कर सकते हैं, साइन इंडिकेट्स इंडिकेट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बच्चों, ठीक है डिक्रीज हो रही है, तो यही है नेगेटिव साइन, क्लियर। और वॉल्यूम इसका क्या होता है, आइस का इंक्रीज करता है, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क होगा, तो पी डेल्टा वी लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा यही आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो इसमें हम लोग जहां भी चेंज ऑफ स्टेट की बात आएगी बच्चों, वहां पर लैटेंट हीट इन्वॉल्व होगा, कितना हीट निकाल रहा है कितना देगा, ये आपको बहुत ही दिमाग में बैठा कर रखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लॉ लगाना है और वैल्यू, ये तो एक प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा बच्चों, ये हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, अभी देखते हैं, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो मैं न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा दो, ठीक है। तो यहां तक वीडियो को स्टॉप करके नोट करें, तो बच्चों हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, और बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस की। तो ये तो हो गया आइसोबेरिक प्रोसेस, अब सेकंड बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सेकंड प्रोसेस क्या है आपका, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में होगा क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू अगर हम बात करें वर्क डन पी डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो पी इंटू जीरो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। और हम जब अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, तो जितना हीट दिया गया वो इंटरनल एनर्जी चेंज इंक्रीज करता है और प्लस वर्क डन होता है, तो यहां इस केस में वर्क डन तो जीरो है बच्चों, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, जीरो, तो डेल्टा लगा देते हैं, हटाओ, तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो, तो यहां पे डेल्टा यू आ जाएगा प्लस जीरो, यानी जो क्यू आप हीट देंगे वो पूरा का पूरा अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, मतलब आपको 1000 रुपये दिया जाए तो पूरा पूरा रख लेंगे, उसका काम नहीं करेंगे चुपचाप है कि नहीं बच्चों, मान लो आपको 1000 रुपये दिया, आपने क्या किया, उसका पूरा अपने पास रख लिया, कोई काम नहीं किया, तो पूरा क्या किया आपने, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आपके पास आ जाएगी, बहुत एनर्जी आ जाएगी। और इसका जो एग्जांपल हम लोग देते हैं आइसोकोरिक का, जो गैसों का विस्फोट होता है, सिलेंडर ब्लास्ट कहते हैं ना, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है घरों में, तो ब्लास्ट क्यों करता है, जब उसको बाहर से हीट मिलती रहेगी, हीट मिलती रहेगी, हीट मिलता रहेगा तो क्या होगा, हीट मिलता रहे तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती रहेगी, मतलब अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो एक्सप्लोजिव ऑफ गैसेस, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव ऑफ गैसेस, ये क्या है, आर एग्जांपल्स है, क्या है, एग्जांपल्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसमें जितना भी आप हीट देंगे अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी मतलब उसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट अंदर जब मिलेगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा ना बच्चों, बोलो, तो यही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस तरफ बढ़ते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। इन सब में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे और ये चेक करेंगे कि इंटरनल एनर्जी कैसे वैरी कर रहा है, किसमें इंक्रीज करेगा, किसमें डिक्रीज, किसमें कॉन्स्टेंट, सभी बातों पर डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यस सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब क्या पढ़ेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इसका मतलब बच्चों कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टी क्या रहे? कांस्टेंट। जब बच्चों टी कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? टी कांस्टेंट है क्या होगा, सोच के बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों। तो बच्चों आप बताएं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा? देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन रियल गैसेस में ऐसा नहीं है, ध्यान देना। ये जो वैलिड है, ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए। किसके लिए बच्चों? आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है, ध्यान रखना इस बात को। नॉट फॉर रियल गैस। किसके लिए? रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। आप सोचो क्यों? क्योंकि जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रियल गैस की मैं बात करो, क्यू डेल्टा यू और डब्ल्यू, ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं बाहर से, बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो को हमको रोकना पड़ेगा इनको लिए, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, अगर रियल गैस है तो रियल गैस जो प्रैक्टिकली देखा गया है, ये तीनों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू डब्ल्यू, ये नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होते हैं, विल नॉट जीरो, विल नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना, ये तीनों जीरो नहीं होंगे। लेकिन हम जब आइडियल गैस की बात करते हैं, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो हम ये कह सकते हैं आइडियल गैस में सिर्फ प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने पढ़ा पिछला लेक्चर मेरा, तो आइडियल गैस में प्योर काइनेटिक एनर्जी है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब जीरो चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये कर देंगे जीरो, तो क्यू माइनस डब्ल्यू कितना आएगा? क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब जो भी हीट मिलेगा, जो भी हीट मिलेगा वो पूरा पूरा क्या करेगा? सिस्टम वर्क करेगा उसका, जो भी आप हीट दोगे उसका पूरा क्या होगा? वर्क होगा। यही है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली वैलिड फॉर ओनली आइडियल गैस, नॉट फॉर रियल गैस, क्योंकि रियल गैस में क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू तीनों ये जीरो कभी नहीं होंगे, क्लियर, ये जीरो नहीं होंगे, विल नॉट जीरो। तो किसके लिए वैलिड है? आइडियल के लिए। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू जीरो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जो भी हीट मिलेगा वो वर्क कर देगा, उसका पूरा पूरा वर्क कर देगा। यही है आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ आ गया सर? आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस के लिए है, तो इसमें जो वर्क डन होगा, क्या होगा? जो भी हीट मिलेगा वर्क डन होगा उसका, सिर्फ वर्क डन, वर्क डन बाय सिस्टम यही होगा, या वर्क डन ऑन सिस्टम, जो भी होगा वहां पे वर्क डन ही होगा, जो भी हीट दोगे एनर्जी वर्क होगा, ठीक है। तो इसका जो वर्क होगा वो हम अलग से टॉपिक लेकर आएंगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। इसके आगे का टॉपिक अभी देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों इरेज करते हैं, वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके बच्चों नोट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने नटखट शरारती बच्चे, मजा आ रहा है पढ़ने में, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम ही मत लो, क्यों, ऐसा क्या खास बात है? एडिया मतलब इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम या नॉन कंडक्टिंग बॉडी, बॉडी नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, बाहर चारों तरफ से हमने क्या किया, इसको इंसुलेट कर दिया, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया है, यहाँ कोई गैस भरी हुई है बढ़िया सी, और हमने यहाँ पिस्टन लगा दिया बढ़िया सा पिस्टन, ठीक है, यह भी इंसुलेट है। तो इस केस में क्या होगा?
ना हीट ये लॉस कर पाएगा ना हीट ले पाएगा ना, है मतलब भाई नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट अंदर नहीं जा पाएगी, सीधी सीधी बात है, और ना अंदर की हीट बाहर जा पाएगी, ना बाहर की अंदर ना अंदर की बाहर, तो क्या कहोगे ये कैसा प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें जो वर्क होगा बस इसी के अंदर होगा, जो इसके पास है उसी से वर्क काम चलाना है ना, बिल्कुल पैक है तन्हाई में, बिल्कुल अकेला। हाँ सर हम भी अकेले हैं तन्हाई में। हाँ, अरे बच्चों ठीक है सभी अकेले हैं, कोई डबल है तो बात अलग है ना। तो ये है बच्चों, ये है आपका सिस्टम। तो सिस्टम में हीट लेकर नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा है ना, हीट का जब एक्सचेंज ही नहीं होगा तो होगा क्या बच्चों, कुछ नहीं होगा। तो यहां हम कह सकते हैं क्यू बराबर जीरो है, यहां पे क्यू जीरो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, क्यू प्लस डब्लू ना क्यू माइनस डब्लू, क्या सर गलत लिख रहे हो है? बोल नहीं सकते सही, ठीक है हो जाता है। Q माइनस डब्ल्यू मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो हीट और W मतलब वर्क का डिफरेंस होगा, ये फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ। तो यहाँ Q तो जीरो है, कोई हीट का एक्शन नहीं होगा, ना हीट लेगा ना हीट देगा, तो Q कर दो जीरो, जीरो माइनस डब्ल्यू, तो चेंज इन इंटरनलजी कितना आया, माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है उसका ये वर्क कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट निकला। मतलब अगर हम पिस्टन को ऊपर उठाएं, क्या करें ऊपर उठाएं, या यहाँ पर जो कुछ मान लो सपोज करो कि इसमें कुछ वेटेड रखा है, स्लॉटेड वेट, ये स्लॉटेड वेट रखा है ऐसे, है ना स्लॉटेड, तब जाके इसका कुछ अपना प्रेशर है, वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है, सपोज दैट मैंने क्या किया दो वेट यहाँ से उठा लिया, तो क्या होगा गैस अपने अंदर जो इसके पास इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, जो भी इंटरनल एनर्जी है उससे क्या करेगा ये, इसको पुश करेगा और वर्क डन बाय सिस्टम होगा। तो हम यहाँ केस फर्स्ट लगा देंगे, फॉर वर्क डन बाय सिस्टम, फॉर वर्क डन बाय सिस्टम। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो वर्क क्या लेंगे बच्चों, जल्दी बताइए वर्क क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वर्क क्या लेंगे पॉजिटिव। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, माइनस में आ रही है, हाँ माइनस में आ रही है, और माइनस में आने का मतलब यह है कि इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, जितना वर्क करेगा उस वर्क के बराबर, जितना वर्क करेगा उस वर्क के बराबर, वर्क के बराबर हिंदी में लिख लो बच्चों, वर्क के बराबर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या होगी डिक्रीज होगी, हिंदी में साफ साफ लिखो अच्छे से समझना है तो, मतलब जितना वर्क होगा वर्क डन बाय सिस्टम उसके बराबर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है केस सेकंड लगा देते हैं, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना, वर्क डन ऑन बाय सिस्टम पॉजिटिव लेंगे, ये माइनस में ही आएगा, ये आ जाएगा। अगर हम इस पर दो और स्लॉटेड वेट रख दें, मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम अगर हो जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, तो W क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, जब नेगेटिव लेंगे तो यहां रखेंगे नेगेटिव, यहां भाई प्लस रखे तो भाई माइनस में ही आएगा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट यहां जब नेगेटिव रखेंगे तो डेल्टा यू हमारा होगा माइनस माइनस डब्ल्यू, तो आएगा प्लस W, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी इंक्रीज करेगी जितना वर्क होगा, मतलब यहां पे U क्या होगा इंक्रीजेस, इंक्रीजेस किसके बराबर W के बराबर, हिंदी में लिख देता हूं फिर से, W के बराबर क्या होगी एनर्जी इंक्रीज करेगी। फिर कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर दिया साले, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मतलब जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होगा कितना जितना वर्क होगा। आप स्लॉटेड पिस्टन वेट जो है पिस्टन रखते जाइए, ये दबता जाएगा तो क्या होगा ये कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, गैस कॉम्प्रेस्ड हो रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, रिजल्टेंट टेम्परेचर बढ़ेगा।
और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। और जब हम इस पर क्या करेंगे, स्लॉटेड वेट हटाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी से वर्क करेगा। तो जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है उसी से क्या करेगा, वो वर्क करेगा। और जब वर्क करेगा तो क्या होगा, उसमें इंटरनल एनर्जी की डिक्रीज होगी, जितना वर्क करेगा उस वर्क के बराबर डिक्रीज होती है। क्या डिक्रीज होता है, यू डिक्रीज होता है, यू डिक्रीज होगा, यू डिक्रीजेस मतलब डिक्रीज होगी, यही है इंटरनल एनर्जी इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इस डिक्रीज जो हो रहा है यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम, इसका सीधा साधा एग्जांपल है कि जैसे कोई टायर जो फटता है, टायर इतना तेजी से फटता है कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, टायर को जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क करने में उसको खर्च कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। तो वहाँ भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, ठीक है ना। टायर फटने के पीछे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, जो गैस है, जो एयर है, हवा है, वो उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में क्या होगा, वो एनर्जी खर्च हो जाती है और टायर फट जाता है। इतना तेजी से फटता है कि पता भी नहीं चलता कहाँ पर टेम्परेचर गया, कहाँ एनर्जी गई, ठीक है। तो वहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ हीट है, ठीक है, वहाँ भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एप्लीकेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इस सब लॉजिक पर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। थ्योरेटिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो कॉम्पिटिशन में आते हैं बच्चों, सॉल्व कीजिए, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ा दिया है, सॉल्व कीजिए, नहीं तो किसी सेपरेट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब तक हम चाहते हैं कि यहाँ से आपसे अलविदा लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़े, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।